मैं पूरे इंटरव्यू में कॉफी पी रही हूँ, मैंने सोचा ही नहीं कि कब साइड नहीं सही ना, इट्स गुड इट्स फाइन. ज़्यादा करीब है बिकॉज ये जो स्टोरी है, एक तो पहले तो रोमांटिक कॉमेडी है जिस तरह की फिल्में मुझे देखना बहुत पसंद है, और इसमें जिस तरह का लव है और जिस तरह की बात कह रहे हैं कि आपको अगर आप किसी प्यार है आपको उसको जो वो है जैसा है उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं इसमें खुद बिलीव करती हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए ये इसलिए काफ़ी स्पेशल है और मेरे दिल की मेरी लाइक इट्स माई फिल्म, यू नो पहली बार ऐसा फील हो रहा है. देखिए यार, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कास्ट क्रीड, तो देखो उतना नहीं सोचना चाहिए. अगर आपका दिल साफ है, अगर आपकी कनेक्शन किसी से होती है, तो क्या साइज, क्या ये, क्या वो, बस फिजन देन जस्ट गो फॉर इट राइट अवे. मतलब कुछ इतना जज नहीं करना चाहिए, आपकी जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप लोगों से कनेक्ट कीजिए. कोई किसी को ना ही जज करे तो आई थिंक बेटर ही होगा सबके लिए, मानते कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स दैट पर्सन हु इज जजिंग, ठीक है, नॉट द पर्सन हु ही इज और शी इज जजिंग. तो मतलब या एंड आई थिंक इफ यू, अगर आप किसी से प्यार करते हो आप उससे जो वो है जैसा है उस वजह से प्यार करते हो, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो इट्स नॉट द पर्सन यू लव दैट. इन फैक्ट इफ देयर इज समथिंग ऑफ दैट पर्सन, आई शुड बी सेइंग ऑफ, बट इन केस इफ आई हैव टू यूज दैट वर्ड आई यूज दैट वर्ड. अगर कुछ ऑफ है, अगर आप अपनी तरफ से पूरा कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो बंदा या वो बंदी फुल मोटिवेट होकर अपने आप को फॉर द राइट थिंग चेंज करने की कोशिश करेगा. अगर वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या वो किसी और चीज़ से, या वो आदतों से रिलेटेड हो, कई लोग गलत चीज़ों में होते हैं, इस चीज़ों में, तो क्या होता है कि कुछ ऐसा पार्टनर मिल जाता है कि उनकी लाइफ राइट डायरेक्शन में चली जाती है. तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट. फिल्म जो है ये एक जिसमें एक स्वीट रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें एक थीम चल रही है ऑफ द फैक्ट दैट कोई परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा जो इम्परफेक्शंस हैं वो हैं इसमें, और उसका एक छोटा सा स्ट्रगल है, और मेरे हिसाब से एक फैमिली फिल्म भी है क्योंकि इट्स ऑल्सो अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अ फादर्स रिलेशनशिप विद द बॉयज दैट कम इन टू द डॉटर्स लाइफ, सो दैट्स ऑल्सो एक तरह का बॉयज नॉट
ए बॉय हाँ नो बॉयज बॉयज नॉट जस्ट तो इस बारे में है ये फिल्म. ये कुछ कहती भी है, ये फन फिल्ड है और ये एट द एंड ऑफ द डे आपको होप के साथ छोड़ती है. और मेरे लिए सबसे बेस्ट बात ये कि इसमें वो रोमांस है जो मैं बॉलीवुड फिल्मों में आजकल मिस कर रही हूँ ऑनेस्टली. जो एक टाइम पे होता था जिस पे मैं पली बड़ी हूँ, जिस तरह का रोमांस मुझे पसंद है वो है इसमें. सो आई थिंक या और हमारा हीरो हमारे हीरोज बहुत क्यूट हैं तो आपको उनके लिए आना चाहिए. नो नो लाइकवाइज इमोशंस आर कमिंग द सेम फ्रॉम माय साइड आल्सो फॉर यू. सो सब्जेक्ट के अलावा जितने कोई स्टार्स हैं आपकी फिल्म में वो भी स्पेशल बातें करेंगे. वो बताइए गौरव के अलावा और भी जितने कोई स्टार्स हैं उनके बारे में. मुझे तुम्हारे अलावा भी लोगों के बारे में बात करनी. अच्छा बात करने से पहले मैं एक चीज पूछ लूं प्लीज. हाँ. हमें हिंदी में बात करनी है, हम थोड़ा इंग्लिश भी ला सकते हैं. मुझे भी एनीथिंग चलेगा ना. ओके गो फॉर इट. चलो गो फॉर इट. ओके तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ वर्ड्स में सोचने की कोशिश कर. एनीवेज आई गॉट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि हमने कुमुद मिश्रा जी जैसे ग्रेट एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला जो मेरा फादर का कैरेक्टर प्ले करते हैं इसमें. और उनके साथ जो दोनों कैरेक्टर्स के बीच की एक फादर और बॉन्डिंग है वो बहुत स्वीट है, बहुत रियल है. और वो आजकल के बहुत मॉडर्न फादर दिखाए गए हैं जो अपनी डॉटर को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते. मैं चाहती हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर फादर्स ऐसे हों तो डॉटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्लरिश करने की, खुद से यू नो आगे बढ़ने की ज़िंदगी में. और वैसी ही सरोज है एक तरह से. सो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. गौरव तो था ही, हमने तो किया ही काम बहुत सारे साथ में. मैं स्वेयर करती हूँ आप भी पिक्चर देखेंगे आपको गौरव से प्यार हो जाएगा. अच्छा ऐसे है क्या? ऐसे मैं पक्का बोलती हूँ. अगर आप भी पिक्चर देखेंगे होपफुली होपफुली मैं भी पिक्चर देखता हूँ तो मेरे को मेरे से प्यार होता है. पर तुमसे तो प्यार हो ही गया. अरे क्या परफॉर्मेंस करी है इन्होंने, बहुत मजा आया. क्या इमोशंस है. No, seriously, you got to watch for her. Huh? You got to watch for him. Actually, you should watch for both of us. Actually, and of course, हमारे set के star Randeep ji, वो भी थे. He was also great fun to work with. Really nice guy. And मतलब मैं उसकी टांग खींचती रहती हूँ बार-बार. But actually, he's really nice, really sweet, very supportive. Very supportive. And he was also great. So हमारे cast generally में हम actually not just cast but cast crew सब मिलके we were just a bunch of young people जो actually इस फिल्म में believe करते थे, जिसने मिलके ये फिल्म बनाई. और it was just so much fun. In fact हमारे जो और को actors हैं जैसे कृतिका वस्ती and बंटी they played great, they've done a great job. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी उन्होंने. हम सब फ्रेंड्स हैं उसमें बेसिकली. और उनके साथ काम करके हमारी कमराडरी ऐसी निकल के आई है कि मतलब ऐसा लगा कि असली में हम लोग फन कर रहे हैं. हम बन ही गए. कैमरा ने एक्शन बोल दिया और हम बस मजे कर रहे हैं ऐसा लगा. पूरे प्रोसेस में हम फ्रेंड्स बन ही गए. बन ही गए. लाइक कृतिका और मैं एक्चुअली फ्रेंड्स बन गए. हम वेटिंग फॉर कहां गई कृतिका, आई नहीं यार. एक्टिंग जब मैं आई थिंक जब आपको पता चलता है कि आपको लाइफ में कुछ करना पड़ेगा आगे बड़ा बन के यू नो बड़े होके कुछ करना होता है काम वाइज. जिस दिन से मुझे वो पता था मैं हमेशा से एक्टिंग ही करना चाहती थी. अब वो इस वजह से क्योंकि मैं चाहती थी या क्योंकि मैं उसमें पली बड़ी हूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी कुछ और करना ही नहीं चाहा एक्टिंग के अलावा. तो या इट्स ऑल मी, एक्टिंग इज हु आई एम आई थिंक. देखिए मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोडक्शन हाउस जैसा भी हो, अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है ना जिससे आपकी डायरेक्ट कनेक्शन हो रही है, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ दिस विल वर्क, और अगर लोग देखते हैं इसे तो किसी ना किसी रूप में कनेक्शन होगी. हाँ जो रिटर्न है वो अलग है, जैसे ट्रीट करते हैं वो कभी कभार अलग भी होता है. बट द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है. कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे आजकल के लोग बोले कि हाँ यार ऐसी फिल्में निकालनी चाहिए, या ऐसा यार आई कैन फील लाइक दिस इज मी समवेयर. मतलब ऐसी चीज़ें जब लोग कनेक्ट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. तो मैं वही देखता हूँ यार, मैं ये नहीं देखता कि बड़ा प्रोडक्शन हाउस है छोटा, मैं ये देखता हूँ कि यार अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसा है. अब शूट करेंगे वो बात अलग है, बट ऑन पेपर कैसा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट. करेक्ट. देखो फिल्म्स कभी भी डाई डाउन नहीं होंगी, चाहे OTT पे भी आए, फिल्म्स तो फिल्म्स ही रहेंगी. OTT पे शोज़ भी आते हैं और फिल्म्स भी आ ही रही हैं. हाँ थोड़ा कोविड की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स रहा है सिनेमा हॉल्स के लिए वो थोड़ा सा वीक रहा है, बट आई थिंक वील कवर अप, वील रीडिस्कवर आवरसेल्व्स इन सो मेनी वेज, वील कम बैक.
with better cinemas and you know better cinema halls and better content to watch. क्योंकि OTT पे आप notice करें वही चीज hit हो रही है जिससे लोग connect कर पा रहे हैं, जो बोले कि यार ये बहुत सही बनाया, तो content आपका अच्छा है तो काम करेगा करेगा, no matter if it's coming on theatre और on OTT. Theatre का time अभी खराब चल रहा है मगर it'll cover up, I think वो हम वापस आ जाएंगे in no time. तो एक तरह से अगर हम उस स्टेज के करीब आ रहे हैं जहाँ पे वुमेन एक्टर्स को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो इट्स ग्रेट. क्योंकि इट्स अ फॉर मी सब्जेक्ट मैटर्स, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो आज के वक्त में रेलिवेंट हैं वो अगर वुमेन ओरिएंटेड हैं या मैन ओरिएंटेड हैं वो डिपेंड करता है हर सब्जेक्ट पे. सो बट इट्स रियली गुड एज अ वुमन टू बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ विच इज़ गिविंग अस अपॉर्चुनिटीज टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट वी वॉन्ट टू. सो या इट्स ग्रेट. I think that when people will watch the film, one, though I hope that they feel like falling in love, because that's beautiful. It's a beautiful emotion which our film is talking about. So I hope that wo feeling aaye. Aur ek ye bhi hoga ki ek self confidence ki feeling aani chahiye ki aap jo hain jaise hain aur aap us insaan se pyar kare jo which you just love. Feeling ko feel karo. बिल्कुल सही बोल, क्या लाइन थी, फीलिंग को फील करो. वाह फीलिंग को फील, ये तो यूज होना चाहिए है ना, तो सरोज का रिश्ता में आप आइए और फीलिंग को फील कीजिए.